हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एक एक्टिविटी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसकी हेल्प से ये पता करते हैं कि जो एसिड सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन की फॉर्म में देखते हैं। दो कंपाउंड दिए गए आपको, एक अल्कोहल और दूसरा ग्लूकोज। ठीक है, ये कह रहा है कि अल्कोहल और ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोजन है, लेकिन तब भी हम उनको एसिड के अंदर नहीं रखते हैं, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो ग्लूकोज का और अल्कोहल का फॉर्मूला देख लेते हैं। पहले अल्कोहल, अल्कोहल में इथेनॉल की बात करता हूं मैं। इथेनॉल का जो फॉर्मूला होगा C2H5OH, ये रहा हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, ग्लूकोज के केस में क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, बात तो सही है कि अल्कोहल और जो ग्लूकोज है उनके अंदर हाइड्रोजन है, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। ठीक है, फिर भी इनको हम एसिड के अंदर क्यों नहीं रखते हैं? इसका रीजन क्या है कि जो ये इथेनॉल और जो ग्लूकोज है इसके अंदर ये आयनाइज नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज अल्कोहल्स एंड ग्लूकोज डू नॉट गिव एच प्लस आयंस। ठीक है, इसका आंसर क्या है, अल्कोहल और जो ग्लूकोज है वो क्या नहीं दे पाते हैं, एच प्लस आयन नहीं दे पाते हैं। ठीक है, ओके, अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक एक्टिविटी की हेल्प से करते हैं। 4 डिफरेंट सैंपल लेते हैं, उसकी हेल्प से पता लगेगा कि कौन सा कंपाउंड कब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक सेटअप करते हैं, बीकर लेंगे सबसे पहले, बीकर लिया। ठीक है, यहां पे क्या करेंगे, रबर की कोर्क लेंगे। ठीक है, यहाँ पे नेल लगाएंगे, नेल, 2 नेल। ठीक है, और इस नेल्स की हेल्प से क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक बल्ब लगाएंगे। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, एक की से जोड़ देंगे, स्विच से जोड़ देंगे, स्विच, ये बल्ब। ठीक है, ओके, ये बैटरी 6 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, अब जो हमें 4 सॉल्यूशन लेने हैं, सबसे पहले हम करेंगे HCl, उसके बाद जो सेकंड होगा सल्फ्यूरिक एसिड, जो थर्ड होगा ग्लूकोज, और जो फोर्थ होगा अल्कोहल। ठीक है, उनको डाल के देखते हैं। ओके, जैसे ही मैं इसके अंदर HCl को डालूंगा, किसको डालूंगा, HCl को डालता हूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालता हूं। ठीक है, तो क्या होगा, स्विच ऑन करता हूं तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा। दैट मींस HCl की वजह से H प्लस आयन प्रोड्यूस हुए हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है और बल्ब क्या हो गया, ग्लो हो गया है। ठीक है, अब सेकंड लेंगे यहाँ पे, अब HCl की जगह क्या लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 लेंगे यहाँ पे। ठीक है, H2SO4। ठीक है, अब जैसे H2SO4 को इसके अंदर डालेंगे और स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, बल्ब दोबारा फिर क्या होगा, ग्लो कर जाएगा। ठीक है, दैट्स मीन यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या किया है, कंडक्ट किया किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दोनों एसिड HCl भी और सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या करेगा, कंडक्ट करेगा किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, ये दोनों क्या है, एसिड है। अब जैसे मैं थर्ड केस में क्या करता हूँ, यहाँ पे ग्लूकोज ले लूंगा। ठीक है, ग्लूकोज लेंगे, अब हम यहाँ पे ये ग्लूकोज को लिया,
और स्विच को ऑन किया, नो बल्ब ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है, बिकॉज यहां पे कोई H प्लस आयन नहीं प्रोड्यूस हुआ है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हुई है और बल्ब क्या होगा ग्लो नहीं कर पाएगा। अब फोर्थ केस में क्या होगा, एल्कोहल के केस में, जब मैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या लूंगा, एल्कोहल को लेता हूं, ठीक है, एल्कोहल के केस में क्या होगा, नो बल्ब ग्लो, ठीक है, इसके केस में क्या होगा, कोई बल्ब नहीं जलेगा। रीजन क्या है कि एल्कोहल और के अंदर हाइड्रोजन है बट वो आयनाइज नहीं हुआ है, किसके अंदर, H प्लस आयन की वजह के अंदर, ठीक है, H प्लस आयन के अंदर जब तक कोई कंपाउंड H प्लस आयन नहीं देगा तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस एक्टिविटी से ये सोल्यूशन निकलता है कि ग्लूकोज और एल्कोहल के पास हाइड्रोजन है बट वो आयनाइज नहीं हो पाया, किसके अंदर, H प्लस आयन के अंदर, जिसकी वजह से उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं की है, ठीक है।